अच्छा जी, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। और बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन के अंदर अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है मेटैलिक हाइड्राइड्स का। मेटैलिक हाइड्राइड्स को समझने के लिए हमें इस मेटल को समझना ज़रूरी है। हम इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक तस्वीर बनाते हैं मेटल की, मेटैलिक सरफेस की। लेट्स से कि दिस इज अ मेटल, ठीक है जी। अब इस ये जो मेटल्स होते हैं इनको अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिकली नहीं, बल्कि मैं अगर इसको कहूँ कि आप इसको नैनोस्कोपिकली या पिकोस्कोपिकली देखा जाए, तो हमें ये पता चलता है कि इनकी सरफेस के ऊपर कुछ इस तरीके के होल्स होते हैं, और जो कि जो है कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद पाए जाते हैं, ठीक है जी। अब इन होल्स के होने से क्या फ़ायदा होता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है हमारा। अच्छा, इन होल्स के होने से हमें ये फ़ायदा होता है कि भाई जब हम इस मेटल की सरफेस से, जब हम इस मेटल के ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास आउट करते हैं, यानी अगर मैं इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस का एक चैम्बर रखूं और इस चैम्बर को मैं ओपन कर दूं फ्रॉम दिस साइड, यानी निकलने के लिए मैं इस साइड से ओपन रख दूं, तो अब वो ये होता है कि हमारे पास ये जाके गैस इसके ऊपर हिट करती है, और गैस हिट करने की वजह से क्या होता है कि एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाता है, इन होल्स के अंदर अटक जाता है। यानी कि एटॉमिक हाइड्रोजन, जैसे कि हमें पता है कि डायटॉमिक फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है, तो एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन यानी इस फॉर्म में हमारे पास जो है इधर जाके चिपक जाता है, कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन चिपका हुआ होता है, ठीक है। अब इससे ये जो बॉन्डिंग कहलाती है, ये जो बॉन्डिंग हमारे पास, अगर आप इस हिस्से को स्कोपिकली देखें, तो ये जो बॉन्डिंग हमारे पास हुई हुई है, ये बॉन्डिंग कहलाती है जिस जो के मेटैलिक हाइड्राइड के अंदर हमें कन्वर्ट कर देती है। सो दिस इज द मेटैलिक हाइड्राइड स्ट्रक्चर, कि जिसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो मेटल्स के ऊपर इस तरीके से लटक जाता है। अब अगर हम लोग इसको ज़रा सोचें तो ये हो क्या रहा है, ये हो ये रहा है कि हमारे पास एक ट्रांजिशन मेटल मौजूद था, या समझ लीजिए एक मेटल मौजूद था। अब चूंकि इसका जो क्रिस्टल लैटिस होता है, क्रिस्टल लैटिस मींस द डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्ड, द लैटिस बिटवीन द बॉन्ड, तो इट इज़ बिट हायर। व्हेन वी पास द हाइड्रोजन गैस थ्रू द मेटल, सो हाइड्रोजन इन द एटॉमिक फॉर्म इट ट्रैप्स बिटवीन द लैटिस ऑफ द बॉन्डिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो इन 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 हाई इन प्योर मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये चेंज होके एक ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ के अंदर बन जाती हैं जो कि सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, यानी दे आर कॉल्ड एज दी हाइड्राइड, दे ट्रांसफॉर्म देयर सेल्फ एज दी हाइड्राइड्स। सो दी हाइड्राइड्स ऑफ मेटल्स आर दी हाइड्राइड्स इन विच दे आर ट्रैप्ड, दे आर बीइंग ट्रैप्ड इन टू द सर्फेस ऑफ द मेटल। तो ये हमारे पास कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्राइड। अच्छा, अब इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम लोग इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, यानी इस मेटल को हीट करते हैं, तो इस ये मेटल हमें एक एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। यानी कि हमारे पास ये बात रही कि जब भी हम लोग किसी मेटल के ऊपर से हाइड्रोजन गैस को पास आउट करेंगे, तो उसके लैटिस के अंदर हाइड्रोजन गैस ट्रैप हो जाएगी एटॉमिक फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस जो है वो एटॉमिक फॉर्म में निकलेगी, और जब वो हाइड्रोजन गैस एटॉमिक फॉर्म में निकलेगी तो हम ये कहेंगे कि दिस इज़ द सोर्स ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन विच इज़ द मेटैलिक हाइड्राइड। सो दैट्स व्हाट द डिस्कशन।